जिनके वजूद होते हैं वे बिना पद के भी मजबूत होते हैं। नमस्कार, मैं हूँ भानु तिवारी, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस YouTube चैनल शार्प जर्नलिज्म में। आज का हमारा विषय है राजनीति और हमारे साथ विचार करने आए हुए हैं गिरीश वर्मा जी। तो स्वागत है गिरीश वर्मा जी आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि राजनीति कैसी होनी चाहिए और समाज में राजनीति का क्या नेतृत्व है। राजनीति बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए समान होनी चाहिए। इसमें अमीर गरीब, बड़ा ऊंचा नीचा, किसी के लिए भी असमान नहीं रहना चाहिए। इस देश के विकास के लिए ये आवश्यक है कि राजनीति समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सके, समाज के लोगों को जागरूक कर सके। शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी के लिए समाज में एक नया विचार उत्पन्न कर सके। तो गिरीश जी, राष्ट्र के निर्माण या फिर समाज के निर्माण में राजनीति की एक अहम भूमिका है और भारत एक युवाओं का देश है, तो जो भारत की राजनीति है उसमें युवाओं की किस तरह से भागीदारी है, आपका इसमें क्या दृष्टिकोण है? युवा इस देश का एक आधार है, एक नींव है, और अगर देश का अगर नींव भी अच्छा रहेगा तो देश का विकास भी अच्छी तरीके से होगा। युवा ऊर्जा से भरपूर होते हैं, उनमें किसी चीज़ को सीखने समझने की शक्ति बहुत होती है, वो किसी चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं। तो राजनीति भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें युवा अगर रुचि ले, अच्छे से करें, एक नया विकास ला सकती है, समाज में एक क्रांति ला सकती है, भेदभाव को कम कर सकती है, अमीरी गरीबी को हटा सकती है। तो अगर युवा अच्छे से करे तो राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें युवा देश का विकास अच्छे से कर सकता है। लेकिन हम इस स्थिति में क्या करेंगे जब युवाओं के पास अनुभव की कमी हो, क्योंकि जो उम्र दराज के लोग होते हैं उनके पास अनुभव ज़्यादा होता है, तो क्या हम राजनीति में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं? इस स्थिति में हम ऐसे कर सकते हैं कि जो युवा राजनीति में रुचि रखते हैं वो अपने जो बड़े हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उनसे मार्गदर्शन तो ले ही सकते हैं, तो अपने बड़ों से मार्गदर्शन लेके वो इस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो गिरीश जी, जो युवाएं हैं वो समाज को राजनीति के माध्यम से कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? जी, जो युवा होते हैं वो समाज में वो देखते हैं कि कौन सी चीज़ क्या हो रही है, क्या गलत हो रही है, उसी को सुधार करने के लिए वो तत्पर होते हैं। जैसे कि समाज में शिक्षा की गुणवत्ता हो गई, बेहतर स्वास्थ्य हो गया, और एक समाज के लोगों को एक अच्छा जीवन शैली दे सके, तो वो समाज से सीखता है और इसी को वो दूर करने का प्रयास करता है। तो जो युवा होते हैं वो ये अच्छी तरीके से कर सकते हैं क्योंकि वो एक नया परिवर्तन लाने की सोच रखते हैं। तो गिरीश जी, सामान्यतः हम बच्चों से सवाल करते हैं कि उन्हें क्या बनना है, तो वो हमेशा ये अधिकांश बच्चे ये बोलते हैं कि उन्हें पुलिस बनना है, डॉक्टर बनना है या फिर वकील बनना है। तो उनके विचार में कभी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर अन्य ऐसे पद क्यों नहीं आते, इसका क्या कारण है? देखिए भानु, इस बात से मैं सहमत हूँ और असहमत भी। सहमत इसलिए क्योंकि जो परिवार राजनीति से जुड़े हुए नहीं है या जिनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं है, वो उनके परिवार के माता पिता अपने बच्चे को राजनीति में नहीं भेजना चाहते क्योंकि वो राजनीति को एक विवादित क्षेत्र मानते हैं। और असहमत इसलिए भी क्योंकि आप उन युवाओं को पूछे जिनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक है या जिनके परिवार के लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो वो निश्चित रूप से ही अपने भविष्य के लिए नेता, राजनीति या फिर विधायक का विकल्प ही चुनेंगे। गिरीश जी, आपकी इस बात से मैं भी सहमत हूँ। तो हमने शार्प जर्नलिज्म के इस सेशन में राजनीति के विषय पर चर्चा की है, तो आगे हम अनेकों मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।